जय माता दी गाइस, कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे जैसे कि हम। तो एक ब्लॉग का हमने किया है एंड और ये टाइम 4:30 बज रहे हैं और कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि सुबह से और 12:30 एक बज गए थे। हम बहनें सब लोग मिल करके किस तरह वृक्ष लगाए हैं और इतनी खुशी हो रही, अपार खुशी है आज हमारे चेहरे पर कि बता नहीं सकते हैं। तो अपने बहनों से यही कहेंगे कि अगर आपके भी आगे पीछे कहीं भी पार्क है या मंदिर है या सामने जगह है तो आप लोग भी ज़रूर वृक्ष लगाइए जैसे कि हम बहनों ने लगाया। और बहुत खुशी की बात होती, बड़े सौभाग्य की बात होती है कि हम सब मिलजुल करके इस तरह का कार्य कर रहे हैं तो भगवान जी बहुत खुश होंगे और हमारे जीवन के जितने भी कष्ट हैं वो दूर होंगे। तो आज ना शाम को ही 5:30 बजे से मंदिर में छोटा सा प्रोग्राम हम बहनों ने रखा है कि हम लोगों को गायत्री मंत्र के साथ हवन करना है। तो थोड़ी थोड़ी सबको मीठी चीज़ बना करके ले जाना है तो हम सब बहनें लेकर के आएंगे। तो हमने सोचा हम क्या ले जाएं, तो हम भी थोड़ी से बना रहे हैं मीठे पुआ। तो मीठे पुआ जल्दी बना लेते हैं और आटा ना हमारा थोड़ी सी टाइट हो गया था जल्दीबाजी में, तो मतलब इतना ऐंट रहे हैं पुए कि सही से नहीं बन रहे हैं। फिर भी हम छोटे छोटे पुए बना रहे हैं क्योंकि सबको प्रसाद में देना पड़ता है ना, तो एक एक पुआ सबके लिए हो जाएंगे। और मुश्किल से सभी लोगों को बुलाया है, करीब 20-25 लोग हैं हमारे ग्रुप में, लेकिन अब देखते हैं कौन कौन आता है। तो हम चल रहे हैं भोले बाबा के मंदिर, तो मिलते हैं आप लोगों से मंदिर में। तो देख सकते हैं हमारी बहनें सब मिलजुल करके किस तरह व्यवस्था किए हुए हैं यज्ञ की। तो यहाँ पर भोले बाबा के भी दर्शन करा दिए और हमारे बहनों के भी दर्शन करिए और देखते हैं सभी लोग मिल करके यहाँ पर यज्ञ करते हैं। और आप लोगों को भी बुला रहे हैं अपने YouTube फैमिली को और हमारी प्यारे प्यारे डालते हो कि मन खुश हो जाता है। आप लोगों के जब कमेंट पढ़ते हैं हमको लगता है कि पूजा पाठ मंदिर से आप लोग भी बहुत ही खुश हो। और हमारे भैया जी हैं, मतलब बहनें हैं, इतने प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट डालते हो कि दीदी आप गाइज आप लोग भी आ जाइए और हम लगा रहे हैं सबके लिए प्रसाद। तो आप लोग भी लीजिए प्रसाद और हमारी ही ड्यूटी लग जाती है प्रसाद में। हमारी बहनें कहती हैं कि शोभा तुम प्रसाद देती हो ना तो सबको बड़े अच्छे से प्रसाद हो जाता है। तो ये भी माता रानी की कृपा है कि ये काम हमको करने को मिलता है और हम सबको खुशी खुशी देते हैं प्रसाद। तो हमारे भाई अमन जी ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया है कि दीदी आपके ब्लॉग का इंतज़ार रहता है और हमको आप लोगों के कमेंट पढ़ करके मन में इतनी खुशी होती है। तो देख सकते हैं हम सब मिलजुल कर मंदिर में, हमको ना 6:30 बज गए थे तो घर में भी माता रानी की पूजा पाठ किए। अब आप लोगों से मिलते हैं मॉर्निंग में सुबह। तो ये टाइम है 6:30 बज रहे हैं और हम मॉर्निंग वॉक करके आ गए हैं। जो अपना डेली के काम है उनमें सब में लग गए हैं और वैसे भी झाड़ू लगा करके जाते हैं जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और अपने पौधों में पानी दे रहे हैं। और हमको पौधों को देख रेख करना अपने आप में इतनी खुशी होती है। और ये ग्रीन ग्रीन अपने घर में हो या बाहर हो कहीं पार्क में हो तो वाकई ही हरा भरा देख करके ना तो आपके जीवन में भी हरियाली हमेशा रहेगी। और माता रानी ऐसे ही हरियाली सबके जीवन में रखें। तो जो हम मनी प्लांट लगा करके रखते हैं हर जगह तो इनका भी पानी हम डेली चेंज करते हैं। अब थोड़ी बहुत अपने किचन के काम है, अब हम लगाते हैं पोछा। तो हमारी बहनों ने काफ़ी बार कमेंट किया था कि दीदी आप ऐसे पोछा क्यों लगाते हो, लेकिन ये पोछा लगाने के बहुत अच्छे राज हैं। हम तो डेली ही लगाते हैं पोछा और इसीलिए हमको किसी का काम अपने मन में नहीं भाता है। कोई भी हम काम वाली रखते हैं ना तो मतलब खुश नहीं हो पाते हैं। तो जो कोई काम में अपने आप को खुशी नहीं मिलती है ऐसे काम वाली रखने से क्या फ़ायदा। और देख सकते हैं हम डेली करीब 1-1.5 घंटा ऐसे घिस घिस करके पोछा लगाते हैं
यही अपने सेहत के राज हैं। आज तो पार्क में एक बहन ने हमसे पूछा कि आप अपनी फिटनेस का राज बताइए, कैसे ऐसे फिट हो। तो हमने कहा हम ऐसे पोंछा लगाते हैं पूरा 1-2 घंटे, यही हैं। घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, कहीं भी कोई परेशानी होना, तो ऐसे पोंछा लगाने से आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। और गैस की अगर प्रॉब्लम है तो गैस की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। यही कमेंट आप लोग करते हो कि दीदी कुछ ना कुछ आपके ब्लॉग से हमको सीखने को मिलता है, और आपकी दीदी जो खुद करती है वही दिखाती है, कोई दिखावटीपन नहीं रहता है। मतलब 30 साल हो गए आज तक माँ ससुराल में कोई काम वाली नहीं है, और ऊपर से नीचे तक 4 बजे से लग करके झाड़ू पोछा करना, और यहाँ घने घने जंगल में सासू माँ भी पूजा पाठ कर रही हैं, और हम बच्चों को लेकर के चल रहे हैं मंदिर, क्योंकि सोमवार का दिन है। वैसे डेली बच्चों को भेजते हैं मंदिर, बट कभी कभी हम भी मौका लगा करके बच्चों के साथ जब मंदिर जाओ ना, तो वो कुछ अलग सी खुशी मिलती है। और भोले बाबा के दर्शन आप लोग भी करिए, और बच्चे भी थोड़ी सी पूजा पाठ सब सीख रहे हैं कि कैसे भोले बाबा में जल चढ़ाना है, कैसे बेलपत्र, अक्षत, चावल, हल्दी, चंदन, और कैसे आरती करना है। तो अपने बच्चों को ये सब ज्ञान देना चाहिए। तो आज हमारे मायके की तरफ से हमारे माता पिता ही गुरु हैं, जो हमको बचपन से ये सब सिखाए हैं, उन्हीं का सिखाया हुआ आज भी हम कर रहे हैं। तो कुछ जब अपने बच्चों को भी ये सब चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने भोले बाबा की पूजा कर लिया, अब चल रहे हैं घर। तो देख सकते हैं यहाँ इनका आ गया है मक्खन और ब्रेड, तो थोड़ी बहुत ये लोग नाश्ता पानी कर लेते हैं। और यहाँ किचन में ना धूम मची हुई है बच्चों की, और यही खुशी है, यही जीवन है, अपने बच्चों के साथ खुश रहना। थोड़ी सी करते हैं आप लोगों से बातें। और आप लोगों ने हमारी चुनरिया देखा, कल ही हमने इसे फोन लगाया और आज ही पहन लिए। अब बच्चों ने थोड़ी थोड़ी ब्रेड और मक्खन का नाश्ता कर लिया, अब अपने मनपसंद का सेक रहे हैं। तो हम लोग निकल रहे चाची के हमारी चाची रहती है, वहीं हम लोग जा रहे हैं सोहगली खाने के लिए। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारी चुनरिया कैसी लग रही है। वैसे बहुत ही हल्की है, बहुत ही अच्छी, हमारे लिए तो बहुत अच्छी है, बट आप लोगों को भी देखने में बहुत अच्छी लग रही होगी। और फैन आन है ना, फैन की आवाज़ आप लोगों को बता रही होगी। और इनको भी दोनों को ले जा रहे हैं, मनु और गोविंद जा रहे हैं, क्योंकि मीना भी जा रही है। जब तीनों को छोड़ करके जाते हैं ना, तो लोग आपस में इतना झगड़ा करते हैं कि पूछिए ना। इसलिए अगर वो भी जा रही है तो इनको दोनों को लेकर के हमको जाना पड़ेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से चाची के यहाँ सुबह भी खाने में। और अपने चाची के मकान की तरफ की गलियां दिखा देते हैं, देख सकते हैं कितना ग्रीन ग्रीन, कितना अच्छा लगता है। और सुबह सुबह का टाइम है ना, तो एकदम से मौसम भी बहुत अच्छा है, और दोनों बच्चे साइकिल से ही जा रहे हैं। तो हम आ गए चाची जी के यहाँ, और चाची जी पूरी व्यवस्था करके रखी थी, हम ये सोच करके ही आए थे, क्योंकि सुबह से ना आपकी दीदी इतनी भाग दौड़ कर लेती है, और हमको ना पूजा करने के बाद ऐसे लगता है कि 2-3 गिलास पानी पिए। हम यही सोच के आए थे कि चाची पूरी व्यवस्था करके रखी होंगी और तुरंत पूजा पाठ करेंगे। तो वो आके ही सब कुछ वैसे ही हुआ। पूजा पाठ होने के बाद पोंछा भी मिल गया, और आप लोगों को दर्शन भी करा दिए। अब प्यारी सी संकटा माता भी आ गई है, तो प्रसाद खा रही हैं, और हमको लगता है इनको हम गोदी में लेकर के थोड़ी सी खिला लें, और आप लोगों से करते हैं बातें। मन खुश हो गया चाची के यहाँ आ करके। संकटा मैया आ गई, बहुत लेट आई है, हमारी चाची की बहन की बेटी कितनी प्यारी है, और चाची बोल रहे चाय पी करके ही जाना है। तो चाची चाय बना रहे हैं किचन में, अब हम लोग चाय पी लेते हैं, इसके बाद निकलते हैं। टाइम ना 10:30 बज रहे हैं, प्यारी सी गुड़िया को देखिए, छोटे छोटे बच्चे मिल जाते ना, इतना अच्छा लगता है। हमारे बच्चे ना सब बड़े हो गए ना, तो छोटे बच्चे पा जाते ना, तो बहुत मन करता है खिलाने का। अब प्रसाद खाने के बाद ना चाची जी ने नाश्ते में क्या बनाया था, यहाँ पर इडली फ्राई करके, वह मज़े आ गए। और सबके लिए बनाई थी चाय, चिप्स, पापड़। अब देख सकते हैं रास्ते में देखते ही बच्चों ने अपने खाने पीने का कुछ सामान भी पैक करा लिया। अब मिलते हैं आप लोगों से घर में। हाय हाय, ये गर्मी देख सकते हैं, पूरा पसीने से सुहाग वुहाग सब निकल करके भरे, और इतनी तेज़ बाहर धूप है, यहाँ वहाँ से यहाँ तक आने में ना तो हालत ख़राब हो गई, मुश्किल से 15-20 मिनट लगे ख़राब हो गई। बच्चे भी बेचारे परेशान हो गए और हम भी परेशान हो गए। अब चाची थी, मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि सुहगली का ना मना नहीं किया जाता है, कितनी भी दूर हो तब भी जाना चाहिए,
लेकिन हालत खराब है हमारे लिए ना, तो गर्मी बिल्कुल दुश्मन है। ठंडी में तो हम इतना घूमते हैं कि पूछो नहीं, पूरा दिन घूमते रहते हैं फिर भी कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन गर्मी ना आए वाकई दिमाग खराब है। कूलर चल रहा है ना, हम नीचे के रूम में बैठ गए हैं तो काफ़ी आवाज़ें आ रही होंगी। तो अब हम खाने में क्या बनाएंगे, क्योंकि अभी कुछ नहीं बना, सासू माँ भी यहाँ से गई हुई है कहीं पर है, आज सत्यनारायण भगवान की कथा, तो वो भी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने गई हुई है। तो हम चल रहे हैं, जल्दी बना लेते हैं बच्चों के लिए फटाफट दाल चावल, क्योंकि मीना का भी यह सोमवार का व्रत है, तो हम ही जा करके सब तुरंत बनाते हैं। बच्चे अभी अपने लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें सब ले आए हैं, तो अपने उन लोगों की पार्टी बन रही है, तो पीते हैं पानी, इसके बाद लगते हैं किचन में। सो गाइस, देख सकते हैं ये हमारी मायके की दाल है, अरहर की छिलके वाली। वैसे भी छिलके वाली दाल थोड़ी सी देखने में कम अच्छी लगती है, बट खाने में ना बहुत ही टेस्टी रहती है। और आप जब गरम गरम दाल चावल बनाओ और थोड़ी सी देसी घी डाल करके खाओ ना, तो मज़े आ जाते हैं। वैसे ना हमको बहुत अच्छी लगती है जब थोड़ी सी ना अच्छे से दाल उस तरह मतलब पकने में ना थोड़ी सी खड़ी खड़ी दाल रहे और फिर गरम गरम चावल के साथ खाओ ना, तो वाकई आप भी ऐसे ही बना करके खाइएगा, मन खुश हो जाएगा। तो पहले हम रख देते हैं दाल पकने के लिए, इसके बाद थोड़ी से चावल तो वैसे भी हमारे साफ़ ही रखे रहते हैं, दाल चावल हमेशा हम साफ करके रख लेते हैं 10-15 दिन के लिए, क्योंकि होता है ना जल्दीबाजी में अगर हम कहीं गए हैं या रात में दोपहर और आ करके हमको तुरंत दाल चावल बनाना है, तो ये टेंशन ना रहे कि अभी हमको दाल साफ़ करना है, चावल साफ़ करना है। इसलिए 10-15 दिन के लिए आप लोग भी अगर नहीं बनाते हो तो बना करके रख लोगे ना, तो बहुत ही आसानी रहती है खाना बनाने में। तो दाल हमने रख दिया, इधर हमारा पानी भी बॉयल हो गया तो हमने चावल भी धुल करके रख दिया। अब देखते हैं रूम में जो बच्चों ने खाया पिया है, नाश्ता पानी किया है, पूरे टेबल में ही कुछ ना कुछ गिरा देते हैं तो साफ़ कर लेंगे, नहीं ना यहाँ पर लाल चींटी काली चींटी आ जाती है ना, तो बाद में बहुत परेशानी होती है। और चींटियों को मारने में भी होता है कि चींटी मारने से कितना पाप लगता है, तो क्या कर सकते हैं, कभी ना कभी एक दो चींटी तो मतलब ख़त्म ही हो जाती है, कितना भी करो। और किचन की भी थोड़ी साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि सुबह वैसे ही नाश्ता करके गए थे, सब कुछ वैसे ही पड़ा हुआ था। तो हमारी बहनों ने कमेंट किया है कि दीदी आप प्राची की तरह लगते हो, तो बुआ भतीजी जहाँ भी खून के रिश्ते रहते हैं ना, अलग नहीं रहते हैं। और आप लोग बहुत ही अपने दीदी को इतना प्यार दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो और इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हो, मन खुश हो जाता है। हमको लगता है माता रानी हमारे जीवन में कोई तो है जो हमको इतना प्यार करता है, इतने प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट करते हो, तो हम अपनी यूट्यूब फैमिली से बहुत ही खुश हैं। और ये लगता है कि जीवन में अपने माता पिता ना रहें बट कोई तो अपना है, और आप लोगों से इतना लगाव है, इतना प्यार है। तो कोई भी अगर मिस्टेक हुई हो अपने दीदी को ज़रूर बताइएगा। हमारा दाल चावल भी पक गया और इस ब्लॉग को कर रहे हैं एंड, आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म दाल चावल खाइए। जय माता दी।